सबसे पहली सिफत जो अल्लाह ताला ने बंद रहमान के बंदों की बयान फरमाई है वो यह है कि अल्लज़ीन यमशूना अला अर्ज़ी हौना, कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। यानी अकड़ कर नहीं चलते, आजिज़ी से चलते हैं, क्योंकि अकड़ कर चलना या ऐसा सीना तान कर चलना ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कुरान करीम ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, ज़मीन के ऊपर अकड़ कर मत चला करो, क्योंकि न तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और न अपनी लंबाई में तुम पहाड़ों को पहुंच सकते हो कि तुम कोई पहाड़ हो। तो अपनी बंदगी का ख्याल करो और अकड़ कर मत चलो, आजिज़ी से चलो। अल्लज़ीन यमशूना अला अर्ज़ी हौना, आगे और भी बहुत सी सिफतें बयान की हैं। मसलन ये कहा है कि अल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि रातें इस तरह गुजारते हैं कि कभी सजदे में होते हैं कभी क़याम में होते हैं। लेकिन उन सब से पहले जो सिफत जिक्र फरमाई वो ये कि ज़मीन पर वो आजिज़ी से चलते हैं, क्योंकि उनका नाम दिया इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। तो रहमान का बंदा होने का सबसे पहला तकाजा यह है कि जब इंसान अपने आप को ये समझे कि मैं अल्लाह जल जलालुहु का बंदा हूँ, तो कभी उसके दिल में तकब्बुर नहीं पैदा होना चाहिए, उजब नहीं पैदा होने चाहिए कि मैं बहुत आला दर्जे का आदमी हूँ। लिहाजा बंदगी का सबसे पहला तकाजा जिसका जिक्र फरमाया वो तवाज़ो है, ज़मीन पर आजिज़ी से चलना। ये दर हकीकत इसका मकसद ये है कि उनके अंदर दिल में तवाज़ो है। जब तवाज़ो होगी तो फिर आदमी अकड़ के नहीं चलेगा, पर वो आजिज़ी ही के साथ चलेगा। तो इस लफ्ज़ तो इतना है कि ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मानी पोचीदा हैं वो ये हैं कि वो तवाज़ो इख्तियार,